नमस्कारम दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक केसरवानी। आप देख रहे हैं ऋतिक केसरवानी, जहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू बुक्स, माय लाइफ, माय फाइनेंसेस एंड माय एंटरटेनमेंट। तो ये सारी चीज़ों में से अगर आपको कुछ भी देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले सेल्स के बारे में। ये वीडियो मैं कोई भी स्क्रिप्ट में बना के नहीं आया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है कि मैं आगे क्या बोलने वाला हूँ, बट मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने सेल्स में जॉब किया है तो मुझे पता है कि सेल्स में क्या होता है, कैसे कस्टमर को अपने बाटली में उतारना होता है, भाई बोल सकते हैं हम, क्योंकि हमको बेचना ही होता है कैसे भी करके। मैंने वो जॉब किया है तो मुझे पता है। एंड एक बात यार बोलना चाहूँगा कि अगर आपके घर पे कोई सेल्स पर्सन आते हैं, अभी तो काफ़ी कम हो गए होंगे बट पहले बहुत आते थे, बट अभी जब आते हैं ना, एंड मेरी मम्मी क्या करते हैं ना, वो देखते सेल्स पर्सन है दरवाज़ा मुँह पर बंद कर देते हैं, तो वो देख के मुझे अपनी याद आती है, थोड़ा टच करता है यार कि मैं भी वही काम करता था। मैंने वो कॉलिंग्स की हैं बहुत सारे कि खरीद लो सर, ये ले लो, आपके लिए अच्छा रहेगा, अरे सर ये ऐसा नहीं है, ये वाला प्रोडक्ट अच्छा है, वो वाला प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, बहुत पर्सुएड किया है मैंने लोगों को, फिर भी लोगों ने नहीं खरीदा है। तो ये मुझे एक्सपीरियंस है। तो प्लीज़ यार, कोई सेल्स पर्सन आपके दरवाजे पर आता है तो मुँह पर दरवाज़ा मत बंद कर, एक मिनट सुन लो उनकी बात, बोल दो थैंक यू, नहीं चाहिए हमको, डायरेक्टली बोल दो नहीं चाहिए। एंड वो आपको बोलेगा कि खरीद लो, क्योंकि उनका जॉब ही उनको बेचना है, उनको टारगेट्स है, क्योंकि पैसे कमाने हैं तो टारगेट्स तो पूरे करने ही पड़ेंगे, लेकिन नहीं, उनको बोलो ठीक है नहीं चाहिए हमको। तो इससे मुझे लगता है कि हमको उनको नहीं बेचना चाहिए जिनको ज़रूरत नहीं है, हमको उनको बेचना चाहिए जिनको उसकी ज़रूरत है, क्योंकि जिसको ज़रूरत है ना वो सामने से खरीदेगा, उसको मनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि खरीद दो। हाँ, थोड़ा बहुत समझाने की ज़रूरत पड़ सकती है कि ये ऐसी चीज़ है, इससे ये होता है, हो सकता है कि कस्टमर को पता ही ना हो कि ये प्रोडक्ट क्या है, ये सर्विस क्या है, इसकी ज़रूरत आपको कैसे है, तो वो समझाना पड़ सकता है कस्टमर को, वो मैं एक बात मानता हूँ। ये एक एथिकल वे है सेल्स करने का कि हमको ज़्यादा पर्सुएट करने की ज़रूरत नहीं पड़े कस्टमर को, ज़्यादा हैमरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़े कस्टमर को कि भाई खरीद लो, यही प्रोडक्ट खरीदना है आपको, यही आपके लिए अच्छा रहेगा, जबकि हमको दिख रहे होते हैं कि और भी प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो गलत लगता है यार मुझे, वो ऐसा लग रहा है कि बस पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं हम लोग, वो मुझे नहीं करना है, ये क्लियर रखता हूँ। एंड सेल्स करने के लिए मुझे तो सबसे पहले ये लगता है कि जिसको ज़रूरत है उसको जाके बेचो, उसको बताओ ये प्रोडक्ट है, ये सर्विस है, ये ऐसे काम करता है, ये इससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, ऐसे उनको बताओ, इन्फॉर्मेशन दो तो वो खरीदेगा। इसके लिए मैं बोट का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट समझता हूँ, क्योंकि बोट अमन गुप्ता, याद है ना शार्क। अब देखिए, बोट एक ऐसे मार्केट में है जहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, थे और रहेंगे, बट फिर भी बोट आज उनका 30% आई थिंक मार्केट कैप्चर कर चुका है, उसका मार्केट शेयर 30% का है, 30% वेरिएबल्स का मार्केट बोट के पास है, 30% लोग वेरिएबल्स के मार्केट में बोट का ही प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो बोट ने यहाँ पे ऐसा क्या किया वो मैं समझ रहा था। तो मुझे ये पता चला कि उन्होंने अपने टारगेट ऑडियंस, अपना मार्केट पोजिशनिंग बहुत अच्छे से करके रखा था, कि उनको पता था कि किसको इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है, कौन ये प्रोडक्ट खरीद सकता है, उन्होंने उन्हीं को टारगेट किया एंड वो आज इतने ऊपर आ गए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अपने टारगेट ऑडियंस कौन है, किसको इस प्रोडक्ट की या सर्विस की ज़रूरत है, उन्हीं को आप बेचिए, वो अपने आप खरीद लेगा, एंड वो अगर डिलाइटेड फील करता है, उसको अच्छा लगता है तो वापस खरीदेगा, वो तो होता ही है। तो यही यार एक बेसिक मोटिव मैं इस वीडियो के द्वारा बताना चाहता था कि जाके उसको बेचो जिसको ज़रूरत है, या फिर कुछ ऐसा तड़का लगा दो उसमें कि लोग आके खरीदें, या फिर ब्रांड बना दो उसका, जैसे लेंसकार्ट कर रहे हैं। लेंसकार्ट भी कुछ नहीं है, चश्मा ही बेचते हैं, और तो कुछ है नहीं मुझे तो नहीं लगता, बट उसका ब्रांड है, लोग क्या कहते हैं कि लेंसकार्ट का चश्मा है, तो सामने वाले को लगता है यार इसके पास लेंसकार्ट का चश्मा है, लेंसकार्ट वो ब्रांड बन चुका है ना, तो उसकी वजह से वो पैसा भी उतना चार्ज करते हैं, बट एक ब्रांड बन जाता है ना तभी आप बेच पाते हो। अगर उसको ज़रूरत नहीं भी होगी ना कस्टमर को,
तभी भी वो आके खरीदेगा कि वो ब्रांड है उसको चाहिए। ऐसा होता है भी ये ब्रांड का खेल, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है ये। मैंने ये नो चश्मा एक लोकल दुकान से ख़रीदा है, लेकिन लगता ऐसे है जैसे कि लेंसकार्ट से ख़रीदा है। लगता नहीं भी होगा तो पता नहीं, बट मुझे तो लगता था कि जब मैंने ये पहले पहली बार चश्मा ये पहना तो मुझे लगा यार ये लेंसकार्ट का चश्मा है, बट नहीं, ये लेंसकार्ट का चश्मा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं सेल्स में, इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहूँगा, देखते हैं आगे की वीडियोज़ में। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।